हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से इंडियन सिनेमा की एक और अपकमिंग हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म। फिल्म का टाइटल है पोन्नियिन सेल्वन। अब ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर, तो एक अपकमिंग तमिल लैंग्वेज हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जिसे कि डायरेक्शन देंगे जाने माने डायरेक्टर। बात कर रहे हैं हम मानी रत्नम को लेकर, जो कि वाकई काफ़ी शानदार डायरेक्टर हैं और गिने जाते हैं इंडिया के टॉप 10 डायरेक्टर्स में। अब ऐसे में बात करें फिल्म को लेकर, पोन्नियिन सेल्वन जिसे कि शॉर्टलिस्टेड किया गया है PS पार्ट 1 के नाम से, क्योंकि इस फिल्म की काफ़ी सारी सीक्वल्स बन सकती है आने वाले टाइम में, ऐसा मेकर्स का मानना है। वहीं जो उसका बजट है वो काफ़ी बड़ा बजट है, काफ़ी बड़े लेवल पर इस फिल्म को बना के तैयार किया जा रहा है और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 500 करोड़ बताया जा रहा है, जहाँ पर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद मानी रत्नम। अब ऐसे में बात की जाए फिल्म को लेकर, तो फिल्म की स्टारकास्ट जो है वो काफ़ी शानदार है। लीडिंग में आपको नजर आ रहे हैं तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विक्रम कार्थी और जयम रवि। इनके अलावा फीमेल लीड में नजर आ रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। इनके अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी और सोभिता धुलीपाला भी नजर आ रही हैं। अब ऐसे में बात की जाए फिल्म को लेकर और फिल्म से जुड़ी कुछ बातें, फिल्म से जुड़ी कुछ अपडेट, तो आपको बता दूँ आज इस फिल्म से जुड़ा एक और न्यू लुक पोस्टर जारी कर दिया है विक्रम का, जो कि वो इस फिल्म में नजर आ रहे हैं, इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं एक प्रिंस के तौर पर। जी हाँ, अब बात की जाए फिल्म को लेकर, तो उसकी रिलीजिंग डेट है 30 सितंबर, और मुझे लगता नहीं है कि जिस हिसाब से इस फिल्म की शूटिंग चल रही है, इस फिल्म की अपडेट्स निकल के आ रही है, मुझे नहीं लगता कि फिल्म इसी सितंबर को रिलीज़ की जाएगी जिसकी शेड्यूल डेट है 30 सितंबर। पर आपकी ओपिनियन क्या है, क्या फिल्म 30 सितंबर को रिलीज़ होनी चाहिए या पोस्टपोन होगी, आपकी राय क्या है आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। वहीं अगर बात करूं मैं इस फिल्म से जुड़ी फर्दर अपडेट्स को लेकर, तो आपको बता दूं अभी के लिए केवल ये फिल्म तमिल के लिए ही शेड्यूल की गई है, और तमिल के अलावा इसको तेलुगू में भी रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस हिसाब से इस फिल्म को एक बिग बजट पे बना के तैयार किया जा रहा है, तो इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज़ भी किया जा सकता है। पैन इंडिया बोले तो प्रॉपर पैन इंडिया हिंदी डब, जो कि बहुत बड़ी बात होगी और हिंदी ऑडियंस के लिए बहुत खुशी की बात होगी। वेल, अब बात करें फिल्म के ट्रेलर को लेकर, तो आपको बता दूँ जिस हिसाब से इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 30 सितंबर बताई जा रही है, तो यकीन मानिएगा इस फिल्म का ट्रेलर आपको अगस्त में ही देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आपको अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।